हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल मुन्ना फार्म में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक है और आप लोगों के दो आशीर्वाद से तेरा भाई बहुत हार्ड है। तो भाई आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ। आज ये हाटशिमारी कॉलेज हाटशिमारी का एनुअल वीक चल रहा है जो हर साल में एक बार आता है और हर स्टूडेंट इसी वीक के लिए इंतजार करता है। तो गाइस आप लोगों से पहले बात एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि सॉरी मैं आते आते थोड़ा लेट करके आया। जो रैली होता है मतलब आसामिस में जो बोलता है शोभा यात्रा, उनमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और उसका जो वीडियो है वो भी नहीं दिखा पाया। तो चलिए आप लोगों को अभी फिलहाल दिखाता हूँ आज का जो कार्यक्रम है, जो खेल है वो दिखाता हूँ। खिलाड़ी लोग सभी मैदान पे जा चुका है, जैसे कि आज खेल है डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट एंड जेवलिन थ्रो। तो चलिए देखते हैं कि खेल में कौन कौन सा खिलाड़ी विनर बनता है। तो गाइस चलिए जाते हैं मैदान पे। मैदान पे चल रहा है जेवलिन थ्रो गर्ल्स का। तो गाइस सभी ने फेंका, ये है अंतिम और क्या करता है देखते हैं। ओ सबसे दूरी फेंका और देखिए बहुत ही आनंद से ये जंप कर रहा है क्योंकि फास्ट है तो ऐसा तो होना ही है। तो गाइस ये जो खेल देख रहे हो ये खेल है आपस में जोर दिखाने का खेल। तो देखिए गाइस दोनों तरफ की खिलाड़ी मतलब जोरदार कोशिश में है, लेकिन देखते हैं आखिर में कौन बनता है खिलाड़ी। तो गाइस आप लोग तो देख ही रहे हो, दर्शक भी कितना एक्साइटेड है इस खेल को लेके। तो गाइस देखिए आखिर में यही लोग मतलब खींच के लेके आया, इनका जोरी ज़्यादा चल गया। तो गाइस अभी होने वाला है शॉर्ट फुट थ्रो, ये सद्दम ने फेंक लिया लेकिन जो बॉर्डर लाइन है क्रॉस नहीं कर पाया। तो गाइस अभी आया रिबुल, देखिए ये क्या करता है, ये बॉर्डर लाइन क्रॉस कर पाता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या करता है ये। तो गाइस ये बहुत ही मतलब आइटम करके फेंक रहा है, चलिए देखते क्या करता है। फाइनली बॉर्डर लाइन क्रॉस कर दिया। गाइस ये था लड़का लोगों का शॉट पुट थ्रो, अभी हो रहा है लड़कियों का। तो गाइस सभी एक एक करके ट्राई किया और अभी फाइनल राउंड हो रहा है। तो गाइस अभी तक कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं क्रॉस किया क्योंकि गाइस ये लोग बोल रहा है बहुत ही भारी सामान है, हम लोग तो 12 kg फेंका और ये लोग 5 kg। तो गाइस अभी तक कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं क्रॉस किया, जो करेगा वही बनेगा चैंपियन आज का शॉर्ट पुट थ्रो का। और अभी होने जा रहा है डिस्कस थ्रो, तो देखते हैं ये बॉर्डर लाइन क्रॉस कर पाता है या नहीं। बहुत ही कोशिश कर रहा है लेकिन देखते क्या करता है, बॉर्डर लाइन के पास भी। गाइस फर्स्ट डे का जो खेल था वो ख़त्म हो चुका है, अभी ये है सेकेंड डे का बैडमिंटन खेल। बहुत ही रोमांचक मैच चल रहा है। तो गाइस इधर में से कोई ना कोई एक तो चैंपियन बनेगा ही, जो बनेगा खिलाड़ी वही बनेगा चैंपियन। तो गाइस अभी इसके बाद शुरू होने जा रहा है लड़की लोगों का बैडमिंटन। तो गाइस इस साइड में जो पिंक कलर की जो टीम है ये लोग का फर्स्ट राउंड खेल रहा है और देखिए अभी भी सेकंड राउंड मतलब बहुत टीम को हरा चुका है और शायद ऐसे दिख रहा है यही लोग बनेगा चैंपियन फाइनल राउंड तक। तो गाइस देखिए फाइनल राउंड में पहुंच गया ये लोग, बहुत ही अच्छा खेल रहा है, देखिए पॉइंट पे पॉइंट लिए जा रहे हैं, आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो गाइस आखिर में यही लोग बनेगा चैंपियन। ये देखिए बहुत ही रोमांचक क्रिकेट मैच चल रहा है यूनियन बॉडी और टीचर के साथ। तो गाइस अभी सर ने बहुत ज़ोर से घुमाया, देखिए आखिर क्या होता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फील्डिंग मौजूद था, बॉल को पकड़ लिया अपने हाथों पे, एक रन भी नहीं आया। तो गाइस देखते हैं अंतिम तक कौन बनते हैं खिलाड़ी, लेकिन उससे पहले देखिए फिर एक बॉल डालने जा रहा है, सार ने ज़ोरदार घुमाया, देखते क्या होता है। डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर और खाते में 6 रन प्लस हो चुके हैं गाइस। तो गाइस किसी और से पूछ लेते हैं आज कौन बनते हैं खिलाड़ी, आप थोड़ा बताइए आज की मैच में मतलब कौन जीतेगा। आज की मैच दोनों टीम के बराबर 50-50 चल रही है। ये जो टीचर स्टाफ है ये थोड़ा योगा खिलाड़ी है, काफ़ी पुराना खिलाड़ी है, तो अभी जो स्टूडेंट है इन लोगों से कुछ सीखना पड़ेगा टीचर को। टीचर जो है बहुत पुराना खिलाड़ी है, तो टीचर का एक्टिविटी देखकर हमको मालूम होगा कि टीचर जो टीम है 100 के लिए 100% मैच विन होगा। यस, तो गाइस जैसे कि ये बता दिया तो चलिए देखते हैं आखिर में होता है क्या मैच। तो गाइस देखिए अभी नया बल्लेबाज आया है और गेंद डालने जा रहा है हसीनू, ये
बॉल सीधा सीधी बाउंड्री के बाहर। और देखिए अभी भी कितना सारा विकेट बाकी है। तो गाइस जैसे कि देख लिया आप लोगों ने थोड़ी देर पहले, टीचर और जो यूनियन गुड़ी का मेंबर्स लोग है, इन सभी का खेल हुआ है क्रिकेट खेल। तो इन खेल में आप लोगों को पहले ही मैंने बोल दिया था कि विनर होगा टीचर स्टाफ। तो असल में और फाइनल में विनर हुआ है जो हम लोगों का टीचर स्टाफ है, वही हुआ है। और देखिए पास ओवर में टीचर स्टाफ ने 100 रन क्रॉस किया था। और यूनियन बॉडी का जो मेंबर्स लोग है ये लोग का मतलब 3 ओवर में ही ऑल विकेट हो गया। तो आखिर में फाइनल ट्रॉफी जो है वो खिलाड़ी लेते हैं और खिलाड़ी हुआ है हमारे नेशनल मुनफर में। आप सबका स्वागत है। तो गाइस कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ही है। तो गाइस जैसे कि आप लोग ये वीडियो देख लिया, ये था हर्षिंगवारी कॉलेज हर्षिंगवारी का एनुअल वीक जो फर्स्ट डे और सेकंड डे का जो कार्यक्रम था, जो खेल था, जो चैंपियन लोग था, उन सभी लोगों को आप लोग तो देख लिया। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएगा। और गाइस एक बात तो आप लोगों को पहले बता दिया और फिर से बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट डे जो रैली हुआ था शोभा यात्रा, उसमें मैं नहीं जा पाया, पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, इसलिए उसका वीडियो नहीं दिखा पाया। तो गाइस फिर से माफी मांगता हूँ। आप गजब बेइज्जती है। और एक बात कहता हूँ आप लोगों को, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आज का वीडियो यही तक था। तो गाइस मिलते हैं फोर्थ डे और फिफ्थ डे में।